जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह आज फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के पाइपिंग ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स, आज जो हम सीखने वाले हैं वो टॉपिक है मेजरिंग टूल्स या मेजरमेंट टेप के मीट्रिक सिस्टम के बारे में, यानी मीट्रिक पद्धति। क्योंकि फ्रेंड्स, आजकल बहुत ही कम जगह आपको ब्रिटिश जो सिस्टम है, यानी इंचेस वाले जो सिस्टम है, बहुत कम जगह देखने को मिलते हैं। ज्यादा करके ग्लोबली मीट्रिक पद्धति आजकल फॉलो की जाती है, यानी जो मीट्रिक का मतलब मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। पाइपिंग में तो मिलीमीटर और मीटर में ही सारे रीडिंग देने होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मेरे को, मैं सोचा कि इसे भी, इस पर भी एक वीडियो बनाऊं ताकि बहुत सारे बिगिनर्स हैं तो घर बैठे इसे सीख सके। और अक्सर बिगिनर्स को ऐसे काफी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं, कभी कभी उनको अच्छे से रीडिंग देखना मालूम नहीं होता है, रीडिंग कुछ और है, सामने कुछ और बता देते हैं, उसे काफी तरह के प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आइए हम सीखते हैं इसे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आज जो टॉपिक हमारा है मेजरमेंट टेप। मेजरमेंट टेप में मीट्रिक सिस्टम। ऐसे तो मीट्रिक सिस्टम में बहुत सारी चीजें आती है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, ऐसे बहुत सारा होता है। लेकिन अपने पाइपिंग में जो रीडिंग है वो मिलीमीटर, सेंटीमीटर भी बहुत कम, मिलीमीटर और मीटर का ही ज्यादा यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि मेजरिंग टेप जो है ये दो टाइप से डिजाइन किया होता है, यानी उसके जो नंबरिंग किए होते हैं दो टाइप से किए होते हैं। एक जो टाइप होता है उसका टाइप वन, ये जो नंबरिंग है ये कुछ इस टाइप से किया होता है। ये आपका जीरो है, यानी जीरो एम है। यहां पे एक नंबर डाला है, यानी फ्रेंड्स ये जो छोटे छोटे जो पॉइंट है, जो छोटे छोटे लाइन है, ये एमएम यानी मिलीमीटर को दर्शाते हैं। और फ्रेंड्स, हर एक दसवां जो लाइन है वो सबसे बड़ा लाइन खींच करके वहां पे नंबरिंग किया जाता है, उसका मतलब होता है कि वो सेंटीमीटर को दर्शाता है, यानी जो एक नंबर जो किया हुआ है एक सेंटीमीटर है। और उसके बीच में हर एक पांचवा लाइन उस दसवें लाइन से थोड़ा छोटा खींचा होता है, उसका मतलब हुआ कि आधा सेंटीमीटर को डिनोट करता है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले इसके नंबरिंग कर लेते हैं, फिर बाद में इसको समझते हैं। ऐसे नंबरिंग किया जाएगा और ये 15 के बाद ऐसा घूमते घूमते ये जो है वो पूरा रिंग टाइप का होता है, अलग अलग साइज में, ये आएगा 100। यहां जो नंबरिंग होगा 100, फिर उसके बाद 1, 2, 3,
चार पांच छः सात आठ नौ दस। यहाँ पे जो है 110 लिखा रहेगा। तो एक तो ये सिस्टम हो गया, एक ऐसे पूरा जो है 100, 110, 120, 130, 140, 200, 3 और ये जो फ्रेंड्स बीच के जो नंबरिंग है वो एक दो ही रहेंगे, 1 से 10 तक, 1 से 9 तक, फिर उसके बाद 110, फिर 1, 2, 3, 4, 9, 120 ऐसे नंबरिंग किया रहेगा। दूसरा जो सिस्टम होता है, दूसरा जो नंबरिंग का जो जो सिस्टम होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंस हुआ, यानी 0 से शुरू हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1 ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते 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 जब 100 पे आएगा तो यहाँ पे 1 m लिखा रहेगा, यानी कि 1 meter। फिर आगे बढ़ेगा, फिर वो 1, 2 ऐसे नंबरिंग करके यहाँ पे 10, फिर 1, 2, 3 ऐसा, फिर 9, फिर 20, फिर 9, फिर 30, फिर 200 पे जा करके 2 m यानी 2 meter लिखा रहेगा। और इसमें फ्रेंड्स 200 पे जा करके 200 लिखा रहेगा। तो एक तो फ्रेंड्स जो नंबरिंग का जो सिस्टम होता है वो सेंटीमीटर वाइज होता है, यानी उसमें मीटर कहीं नहीं दिखाया जाएगा। दूसरा जो सिस्टम होता है वो मीटर वाइज होता है। तो फ्रेंड्स अक्सर ये जो सिस्टम है जो मीटर वाला सिस्टम है ये बड़े बड़े टेप में ही देख लो, जैसे 50 मीटर 25 मीटर जो छोटे छोटे टेप मेजरमेंट टेप होते हैं उसमें सेंटीमीटर वाली पद्धति यूज होती है। तो फ्रेंड्स अब सीखते हैं कि रीडिंग कैसे लेते हैं इसका। तो सबसे पहले अपन इसके मेजरमेंट को समझते हैं। तो आपने यहां जाना हर एक 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर छुपा हुआ है, यानी 10 मिलीमीटर को मिलाकर के 1 सेंटीमीटर बना, और ऐसे ऐसे 100 सेंटीमीटर को मिलाकर के 1 मीटर बनता है, यानी कि 1000 मिलीमीटर को मिलाकर के 1 मीटर बनता है। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट यहां तक हमने किसी चीज का माप लिया 0 से लेकर के यहां तक, इसका रीडिंग बताना है। सिंपली हम क्या करेंगे, अगर इस टाइप की नंबरिंग है तो कितना सेंटीमीटर क्रॉस किया, 5 सेंटीमीटर यानी कि 50 मिलीमीटर। रीडिंग अक्सर मिलीमीटर में ही देने होते हैं, 50 मिलीमीटर। उसके बाद 5 मिलीमीटर क्रॉस किया, 50 प्लस 5 यानी 55 मिलीमीटर यहां का रीडिंग होगा। अगर यही रीडिंग मान लीजिए यहां से किसी वस्तु की आ रही तो यहां कितना सेंटीमीटर क्रॉस किया, 11, यानी कि 11 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 प्लस 2, इसमें ये जो 2 मिलीमीटर और क्रॉस कर रहा है इसको जोड़ देंगे, यानी 110 प्लस 2 112 मिलीमीटर, ये यहां का रीडिंग हो, यहां का रीडिंग। ऐसे ही अगर यहां पर रीडिंग आए, मैं पूरी लंबी चीजें कोई मापी और यहां पे रीडिंग आया, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 100 प्लस 1 यानी 101 सेंटीमीटर यहां हुआ। यहां पे तो लिखा ही हुआ है, क्योंकि अगर ऐसे हम लिख के चले 1, 101, 102, 103
जिसमें जगह ही नहीं बचेगा और काफी कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी। इसके लिए हम जो नंबरिंग होता है तो 1-2 करके होता है। तो ये हुआ 101 सेंटीमीटर, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 10 से जितना आया उसमें और 2 जोड़ देंगे, ये 2 जो क्रॉस हो रहा है यानी 2 जोड़ देंगे, इतना रीडिंग हमारा मिलीमीटर में है। ऐसे ही फ्रेंड्स जैसे यहां पे आया तो इसमें सीधा 10 से गुणा कर देंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रीडिंग आया वो मिलीमीटर में आया। सेम चीज इसमें भी है, इसमें भी कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे मान लीजिए यहाँ इसमें यहाँ तक तो कोई सब सेम ही रहेगा, लगभग 1 मीटर क्रॉस किया, तो इसमें हमें बस इतना ही ध्यान में रखना होता है कि हर एक मीटर पे जा करके हम पहले मीटर की रीडिंग को देखें कि पीछे कितना मीटर क्रॉस कर लिया है, उसके बाद सेंटीमीटर को देखते हैं, फिर उसमें टोटल को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें कितना मिलीमीटर क्रॉस किया है उसको जा करके रीडिंग हमारा होता है। तो फ्रेंड्स आपको मैं फिर दिखा दूं, मेरे पास पड़ा हुआ है जो कि आप इसका नंबरिंग देख सकते हैं, आप इसे गौर से देखिए। इसे गौर से देखेंगे आप इसे देख, तो ये जो नंबरिंग है फ्रेंड्स इस टाइप से 100, 102, 103, ये जो नंबरिंग ये वाला जो सिस्टम है, यानी नीचे वाला जो लाइन है वो मीट्रिक सिस्टम है और ऊपर वाला जो है वो ब्रिटिश सिस्टम है, यानी वो इंचेस वाला है। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम मीट्रिक सिस्टम के बारे में ही सीखे हैं और अगले वीडियो में मैं आपको ब्रिटिश सिस्टम को भी एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इससे लाभान्वित हो, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।